इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां एडिशनल कमिश्नर क्राइम प्रसन्न कुमार खमेसरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। सरकारी लोहे के स्क्रैप से भरे दो ट्रक पकड़ लिए गए हैं। पुलिस ने इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए की चपत लगाने का यह मामला सामने आया है। करनी विहार थाना पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और साथ ही पुलिस ने AN सहित 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। लाखों रुपए की चपत लगाने का यह मामला, बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। करनी विहार थाना पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इसमें 6 आरोपियों सहित एक AN को भी गिरफ्तार कर लिया है और लगातार आरोपियों से पूछताछ जारी है। क्राइम ब्रांच की यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम प्रसन्न कुमार खमेसरा के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सरकारी लोहे के स्क्रैप से भरे दो ट्रकों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने AN सहित 6 लोगों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं, जहां लाखों रुपए की चपत लगाने का ये मामला सामने आया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। करनी विहार थाना पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें एक AN सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। एडिशनल कमिश्नर क्राइम प्रसन्न कुमार खमेसरा के निर्देश पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इसमें सरकारी लोहे के स्क्रैप से भरे दो ट्रकों को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने AN सहित 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से, लाखों रुपए की चपत लगाने का ये मामला क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सामने लाया है। करनी विहार थाना पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। जयपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, क्राइम ब्रांच की एक और बड़ी कार्रवाई। लगातार क्राइम ब्रांच इन दिनों बेहद सक्रिय दिख रही है और एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए एडिशनल कमिश्नर क्राइम प्रसन्न कुमार खमेसरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें सरकारी लोहे से भरे स्क्रैप से भरे दो ट्रकों को पकड़ लिया है। पुलिस ने AN सहित 6 लोगों को भी इसमें गिरफ्तार कर लिया है। लगातार पूछताछ जारी है। जयपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए A1 संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, बताएं क्या कुछ है ये पूरा मामला? हाँ देखिए लवीना, मैं बता दूं कि ये जो हीरापुरा पावर हाउस है वहाँ का पूरा मामला है, क्योंकि जो AN है एक अरुण वर्मा, उसकी मिली भगत से ये सारा खेल चल रहा था। यहाँ पर जो सरकारी जो राजस्व है उसको यहाँ पर करोड़ों रुपए का जो चूना लगाया जा रहा था, जब यहाँ पर क्राइम ब्रांच की जो नजर थी वो यहाँ पर काफी समय से पड़ी हुई थी। तो ऐसे में आज क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ पर स्क्रैप से भरे हुए, जो कि लोहे का जो स्क्रैप होता है उससे भरे हुए यहाँ पर दो ट्रक पकड़े हैं। साथ में 6 जो आरोपी है उनको भी यहाँ पर गिरफ्तार किया है, क्योंकि पूरा मामला यहाँ पर सरकारी विभाग से मिली भगत से जुड़ा हुआ था, क्योंकि जो AN था अरुण वर्मा वो इस मिली भगत में शामिल था। यहाँ पर जो अरुण वर्मा था वो यहाँ पर सरकारी विभाग को चूना लगाते हुए यहाँ पर जो कबाड़ियों के साथ मिलकर, जिसमें रामनिवास मीणा, दिनेश मीणा, सुरेश मीणा, 3 शख्स है जिनके यहाँ पर जयपुर शहर के अंदर कई कबाड़ी के गोदाम है वहां पर स्क्रैप को बेचा जा रहा था। क्योंकि जो बिल्टी का जो काम होता है, जो यहाँ से जो ट्रकों के अंदर जो स्क्रैप भर के जाता था वो 60 टन के आसपास जाता था, लेकिन ये सभी तमाम जो आरोपी हैं, ये अरुण वर्मा जो है इसकी मदद से ये इस ट्रक के अंदर करीब 30 से 40 टन 50 टन ये स्क्रैप भर के ले जाते थे। तो काफी समय से लंबा खेल चल रहा था, लेकिन यहाँ पर क्राइम ब्रांच टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया है और यहाँ पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी यादविंदर, ये बताएं कि एक AN को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही 6 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। ये बताएं कि क्या कोई और खुलासा हो सकता है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर जो प्रसन्न कुमार जो कमिश्नर है, जो क्राइम ब्रांच के एडिशनल CP है, वो यहाँ पर 2 बजे पूरे इस मामले को लेकर के खुलासा करेंगे। क्योंकि लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर यह खेल कितने लंबे समय से चल रहा था, ये एक बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि एक ट्रक के अंदर करीब यहाँ से 15 से 20 लाख रुपए का जो माल है वो जाता है, लेकिन ये तमाम जो आरोपी हैं ये मिलीभगत करते हुए यहाँ पर इसके अंदर करीब 50 लाख का जो माल था वो अधिक भर करके लेके जा रहे थे। इसके अंदर पूरा गिरोह था, ये पूरा नेटवर्क यहाँ पर AN जो विद्युत विभाग के जो AN है अरुण वर्मा, उसकी मिलीभगत से पूरा खेल चल रहा था। क्योंकि जब यहाँ पर जो स्क्रैप की जो तुलाई होती है, जो टन जो यहाँ पर कांटे पे तोला जाता है, उसके वहां से ये इस खेल की शुरुआत होती है। और यहाँ पर एक जो ट्रक है उसमें से आधे माल को यहाँ पर भेज दिया जाता है और आधे को यहाँ पर कबाड़ी के गोदाम में बेचा जाता है। तो इस तरीके से पूरा खेल है। करोड़ों रुपए की फिलहाल यहाँ पर हेरा फेरी सामने आई, लेकिन यहाँ पर 2 बजे इस पूरे मामले का खुलासा होगा, जब यहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर जो क्राइम है प्रसन्न कुमार खमेसरा इस पूरे मामले का जब यहाँ पर खुलासा करेंगे। लवीना,
जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वक्त की बड़ी खबर जयपुर से बता रहे थे, जहां क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई की है।